नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के वर्धा में सेना के गोला बारूद डिपो में लगी भीषण आग, हादसे में दो अफसर और 18 जवानों की मौत। पीएम मोदी ने घटना पर जताया दुख। लंदन में हथियार डीलर से कथित घर खरीद कर विवादों में फंसे रॉबर्ट वाड्रा, बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने ईडी और सरकार को चिट्ठी लिखकर की जांच की मांग। दिल्ली से सटे गुड़गांव में बीएसपी के संस्थापक कांचीराम की मूर्ति तोड़ी गई, घटना से गुस्साए दलित समाज ने दी हर जिले में प्रदर्शन की धमकी। गोवा के पर्यटन मंत्री दिलीप पारुलेकर का बयान, अफ्रीकी नागरिकों को बताया भारत के लिए समस्या। दिल्ली में बिजली कंपनियों पर सरकार सख्त, 2 घंटे से ज्यादा बिजली काटी तो कंपनियों को देना होगा हर्जाना। और अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के पुलगांव में सेना के सबसे बड़े हथियार डिपो में भीषण आग लग गई, हादसे में 2 अधिकारियों और 18 जवानों के मौत हो गई है। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है। बताया जा रहा है कि आयुध डिपो में आग देर रात करीब 1:30 बजे लगी। आग सेना के डंपिंग यार्ड में लगी थी, जो देखते ही देखते भयंकर हो गई। आग पर किसी तरह काबू पाया गया, लेकिन बीच बीच में होने वाले धमाकों की वजह से आग फिर भड़क उठी। एहतियातन सेवाग्राम और सवांगी के डॉक्टरों को अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये एक हादसा बताया जा रहा है। पुलिस ने घटना के पीछे किसी भी साजिश की बात से इनकार किया है। वहीं पीएम मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी घटना पर दुख जताया है। और अब खबर रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा एक बार फिर प्रॉपर्टी विवाद को लेकर फंसते नजर आ रहे हैं, और इस बार उन पर एक हथियार डीलर से लंदन में बेनामी संपत्ति मिलने का आरोप लगा है। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने ईडी और सरकार को चिट्ठी लिखकर जांच की मांग की है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय उस जांच रिपोर्ट की समीक्षा कर रहा है, जिसके मुताबिक 2009 में हथियारों के एक विवादित सौदेबाज ने लंदन में रॉबर्ट वाड्रा को बेनामी घर खरीद कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कथित तौर पर रॉबर्ट वाड्रा और उनके सहयोगी मनोज अरोड़ा ने कई ईमेल भेजे, जिसमें लेन देन और लंदन के घर के रेनोवेशन से जुड़ी कई बातें हैं। इस घर को 19 लाख पाउंड यानी करीब 19 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। ऐसा आरोप है कि ये सौदा अक्टूबर 2009 में हुआ और जून 2010 में इसे बेच दिया गया था। वही कांग्रेस ने वाड्रा पर लग रहे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली से सटे गुड़गांव में बीएसपी के संस्थापक कांचीराम की मूर्ति तोड़ने का मामला सामने आया है। घटना गुड़गांव के सेक्टर 4 स्थित अंबेडकर भवन की है, जहां कुछ नकाबपोश लोगों ने कैंपस में लगी कांचीराम की मूर्ति को हथौड़ा मारकर तोड़ दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि 4 महीने पहले ही अंबेडकर के बगल में कांचीराम की मूर्ति लगाई गई थी, जिसका कुछ स्थानीय दबंगों ने विरोध भी किया था। मूर्ति को तोड़ने के बाद से ही शरारती तत्व फरार चल रहे हैं। वही इस घटना के बाद से ही दलित समुदाय के लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। दलितों ने गुड़गांव के पुलिस उपायुक्त से मिलकर इनकी गिरफ्तारी की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो हरियाणा के हर जिले में प्रदर्शन किए जाएंगे। और चलते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में अफ्रीकियों पर हुए कई हमलों की घटनाओं के बीच गोवा के पर्यटन मंत्री दिलीप पारुलेकर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि अफ्रीकी लोग भारतीय कानून से टकराव मोल लेते हैं ताकि वे अपने ठहरने की अवधि बढ़ा सके और मादक पदार्थों और अन्य अपराधों में लिप्त रहते हैं। पारुलेकर ने बताया कि नाइजीरियाओं की समस्या सिर्फ गोवा में नहीं बल्कि पूरे देश में। इसके साथ ही उन्होंने नाइजीरियाई लोगों को स्वदेश भेजने के लिए एक सख्त कानून की मांग भी की है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक सख्त कानून होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से फिलहाल भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है। अगली खबर राजधानी दिल्ली से, जहां बिजली कटौती से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। बिजली वितरण कंपनियों की वजह से अगर बिजली गुल हुई तो अब उन्हें उपभोक्ताओं को हर्जाना देना होगा। कंपनियों पर 100 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से फाइन लग सकता है। दिल्ली की पावर रेगुलेटर अथॉरिटी ने ये निर्देश दिए हैं। रेगुलेटर की नोटिफिकेशन के अनुसार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड के नियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते दिल्ली सरकार ने अथॉरिटी को ये निर्देश दिया था कि बिजली कानून की धारा 108 के तहत 1 हफ्ते के भीतर ये फाइन लगाया जाए। इस महीने भीषण गर्मी से अधिक बिजली कटौती के बाद दिल्ली सरकार ने ये कदम उठाया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए टीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।